Hello friends, welcome again. This video contains unboxing details and testing of Voyager 801 tire inflator. So please connect it with me till end so you can clear your confusion about which one to buy. So let's start. तो यहाँ पर जो पैकेजिंग है वो बहुत ही अच्छी है और ये प्रोडक्ट USA में डिज़ाइन और इंजीनियर किया गया है। इस प्रोडक्ट पर 1+1 ईयर की वारंटी दी गई है। दिस इन्फ्लेटर्स कैन इन्फ्लेट कार टायर फ्रॉम 0 to 35 PSI इन अप्रॉक्स 3 मिनट्स। तो ये भी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। इसके रेटेड वोल्टेज 12 वोल्ट है और ये मैक्सिमम 130 PSI तक का प्रेशर जनरेट करता है, पर हमें तो अपनी कार के लिए 35 से 45 तक का ही प्रेशर चाहिए होता है। इसका यूज़ करके आप अपनी कार, बाइक या बाइसिकल या तो फिर फुटबॉल वगैरह में हवा भर सकते हैं। इसकी MRP कुछ ज़्यादा ही है, पर मैंने इसे Amazon से 1200 रुपये में परचेस किया है, जो कि कम ज़्यादा होती रहती है। चलिए अब इसके बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर भी एक बैग है जो काफ़ी अच्छी दिख रही है। चलिए इसे बाहर निकाल लेते हैं। डिब्बा खाली हो चुका है हमारा। तो वैसे तो प्रोडक्ट में थोड़ा वेट तो है, यहाँ पर 3D में ब्रांड नेम लिखा गया है और ये इसकी ऑन ऑफ स्विच है। यहाँ पर आपको एनालॉग प्रेशर गेज मिल जाएगा जो 120 PSI मैक्स दिखा रहा है। ये इसकी LED लाइट है जो कि नाइट पर्पस के लिए आपको काम में आएगी। यहाँ पर पीछे आपको कुछ एक्स्ट्रा नोजल्स दी गई है जिसकी मदद से आप स्पोर्ट्स बॉल हो गया या कोई भी इन्फ्लेटेबल थिंग्स जिसमें आप हवा भर सकते हैं उसमें आप हवा भर पाओगे। तो ये है इसकी मेन नोजल्स जो बहुत ही अच्छे ढंग से पैक की गई है। इसकी मदद से आप अपनी कार में हवा भरोगे। ये ब्रास से बनी हुई है तो काफ़ी टकने वाली है। क्वालिटी एकदम सुपर है, मुझे तो अच्छी लगी। कुछ नोटिस यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कि इस एयर होस को कार टायर के वाल से टाइट फिट करना है जब तक कि कोई एयर लीकेज की आवाज़ ना सुनाई दे, और ये होस गर्म होता है आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ कंटिन्यूस यूज़, सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये है इसका 3 मीटर लंबा पावर कोर्ड, बहुत ही कॉम्पैक्ट जगह में पैक किया गया है। इसके पावर एडेप्टर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। एक और नोटिस दी गई है, इसे यूज़ करने से पहले आपको अपनी गाड़ी ऑन कर लेनी है, वरना बाद में आपको गाड़ी को धक्का भी लगाना पड़ सकता है। और क्या है बैग के अंदर, ये देखिए एक एयर फ्रेशनर निकला है जो आप अपनी गाड़ी के IRVM पर लटका सकते हैं। एक हफ्ते चल जाए तो भी बहुत है, आजकल कौन देता है फ्री में इतना सब। देखिए इस किताब के ज़रिए कंपनी आपसे कह रही है कि आप उसे एक हॉनेस्ट रिव्यू दोगे तो वो आपको 1 साल की फ्री वारंटी देगा। गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इसके लिए आपको अपने मोबाइल से नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर एक आपका इनवॉइस या तो फिर प्रोडक्ट की इमेज भेजना होगा, तो वो आपको एक लिंक शेयर करेंगे, उस पर जाके आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको 1 साल की वारंटी मिल जाएगी, एक्स्ट्रा 1 साल की, मतलब टोटल 2 साल की वारंटी आपकी हो जाएगी। चलिए अब इसे कार के 12 वोल्ट के सॉकेट में लगाकर हवा भरते हैं। हवा भरने के लिए सबसे पहले तो इसकी हवा निकालनी पड़ेगी। आप में से जिन लोगों के पास वॉस्चर 801 है वो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए कि ये मशीन कैसा है, तो जो भाई लोग इसे ख़रीदना चाहते हैं उन्हें हेल्प हो जाएगी। तब तक के लिए मैं हवा निकाल देता हूँ। टायर प्रेशर 0 हो गया है। अब इसकी होस पाइप को टाइटली कनेक्ट कर लेते हैं, एयर लीकेज की साउंड नहीं आनी चाहिए, वैसे भी टायर में हवा नहीं है। चलिए अब स्टॉपवॉच लगाकर टायर में हवा भर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वाइब्रेशन अच्छा खासा है और इसकी आवाज़ भी काफ़ी बुलंद है। एक बात ध्यान में रखने जैसी है कि इसे आप 20 मिनट्स तक ही कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि
हर 20 मिनट के बाद आपको 15 मिनट का कूल डाउन इंटरवल देना होगा, वरना मशीन हीटअप हो जाएगी। तो यहाँ पर 40 PSI प्रेशर हो चुका है सिर्फ 3 मिनट और 5 सेकंड में। तो ये सही में जैसा डिब्बे पे लिखा था अप्रॉक्स 0 to 35 PSI इन 3 मिनट्स सही है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, सो प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।